पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से मेरी गुजारिश है कि जो इन्होंने हमारे मुंह के ऊपर काला धब्बा मला है, ये मिटेगा नहीं कभी भी, ये पूरी जिंदगी तक नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी हम यूएसए को रोते रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जब पाकिस्तान में वापस आए तो आपकी थोड़ी सी बचत हो जाए, थोड़ी सी आपकी बचत हो जाए, जो आपने किया उसकी तो माफी कभी भी नहीं होगी, वो तो कोई भूल ही नहीं सकता ना, कि मतलब कि आप यूएसए से हार गए। लेकिन अगर थोड़ी सी भी अपनी इज्जत की परवाह है, थोड़ी सी भी अपने फैंस की परवाह है, ये फैंस जो है ये तभी वापिस आएंगे जब आप इंडिया को हराएंगे। तो आज से सिर्फ एक ही नारा है, अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ, अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ। वो उनके ओपनर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनके बॉलर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी हमसे अच्छे हैं, उनका ऑलराउंडर भी हमसे अच्छे हैं, उनका कैप्टन भी हमसे अच्छा है, वो हर चीज के अंदर हमसे अच्छी टीम है। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, नजर आ रहा है, दिख रहा है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अपनी इज्जत बचाओ, इंडिया को हराओ। हराना पड़ेगा, हराना इसलिए पड़ेगा, आप उनसे हारेंगे आप बाहर होंगे, आप उनसे हारेंगे जो यूएसए के साथ जो कुछ लोग फिर आपका लिहाज करके, जो आजकल पूरे पाकिस्तान में बातें चल रही है ना, ये यूएसए से हार गए अभी अगले मैच में इंडिया को रगड़ देंगे, वो इसी चक्कर के अंदर आपको कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन जब आप इंडिया से भी हार गए ना, फिर जो आपका हाल होना है, फिर जो आप लोगों के साथ होना है, फिर इंस्टाग्राम क्या, फेसबुक क्या, सोशल मीडिया पे तो लोग आप लोगों को रगड़ेंगे, आपकी फैमिलीज को भी लोग टारगेट करना शुरू कर देंगे। याद है भूल के वो जमाना, एक टाइम हुआ करता जब इंडिया पाकिस्तान का मैच होता था, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू ने बात की कि जब प्लेयर्स हारते थे तो लोग उनके घरों में पहुंच जाया करते थे, जो कि गलत था, वो गलत चीज होती थी, लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग राइवलरी थी, खुदा ना खासे दोबारा से हो जाइए फिर क्या कर लेंगे आप लोग। तो इसलिए कह रहा हूं कि अपनी इज्जत बचाए, इंडिया को हराए। अब इंडिया को हराना कैसे है, इनको तो कुछ पता ही नहीं, वो गैरी क्रिस्टन सही तप है, हर एक को बोला है मीटिंग के अंदर, उसे हर एक को ठीक किया है कि जो प्लान बताया था वो तो उसके ऊपर अमल किया ही नहीं, बल्कि हाफ टाइम के अंदर ये लोग जिससे कहते हैं डर के हार के बैठ गए थे कि हम तो यूएसए से हार गए, हाथ पो इनके फूले हुए, तो उसने सही बात किया, डांटा है उसने रख रख के कि जो प्लान बताया वो तो इन्होंने कुछ काम किया नहीं। बाबर आजम को बोला, बाबर आजम कहता कि मैं कुछ नहीं सुन रहा किसी की, मैं नहीं समझ रहा, इन्होंने सीनियर प्लेयर ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, बोलर ने सही परफॉर्मेंस दिखाई, बाबर आजम सब पे चढ़ रहा है। अगर बाबर को भी मशवरा दे रहा है कि इफ्तकार को ना भेज, तो बाबर को सुनना चाहिए था। लेकिन ये चीजें अब मैटर नहीं करती, आपने जो हमारे ऊपर काला धब्बा लगाना था आप लगा चुके हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने हमारा मुंह काला कर दिया हुआ है, हम यूएसए से हार चुके हुए हैं। अब मौका मिला है आपको दोबारा से अपनी खोई हुई इज्जत को थोड़ा सा वापस पाने का, और यकीन करें अगर पाकिस्तान ने, अब ये तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान इंडिया को हरा सकते क्योंकि हम यूएसए से हारे हुए, लेकिन अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया तब जिसको कहते हैं ना लोग सब कुछ भूल जाएंगे, तब लोग भूल जाएंगे यूएसए वाली हार, यकीन माने कि हम ऐसे लोग हैं, हालांकि भूलना नहीं चाहिए लेकिन हम भूल जाएंगे, क्योंकि जिसको कहते हैं ना अपने अंदर बचपन से लेके लोगों ने हमारे अंदर नफरत ही बड़ी भरी हुई है, वर्ल्ड कप जीतो ना जीतो उनको हरा दो, इसी चक्कर के अंदर हमेशा उनसे वर्ल्ड कप में हारते ही आ रहे हैं और वर्ल्ड कप भी नहीं जीत रहे। जिस दिन ये सोच बदल जाएगी कि वो वाला मैच इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रॉफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस दिन पाकिस्तान ट्रॉफी भी लगातार जीतना शुरू कर देगा ऑस्ट्रेलिया की तरह, तो ये चीज बड़ी मैटर करती है। लेकिन बाबर आजम साहब अपनी इज्जत बचाए, इंडिया को हराए, फ्रंट से लीड करना है, फ्रंट से लीड करना है, बैक फुट के ऊपर नहीं जाना। शाहीन शाह अफरीदी बस कर दो भाई जान, 100% अपना जैसा कहते हैं एफर्ट दिखा दो, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ये 100% क्यों नहीं दिखा रहे। रिजवान साहब हाथ जुड़े आपके आगे, कोई पुट्टी सीधी शॉट मार के आउट ना, फकर जमान साहब ऐ देखो, क्योंकि इस दफा खाली बाबर नहीं, इस दफा 11 के 11 जिसको कहते हैं ना उनका बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि इस दफा जब ये वापस आएंगे वो लोग बीच में आने वाले हैं, वो लोग मुदाखलत करने वाले हैं जिन्होंने आज तक क्रिकेट में मुदाखलत नहीं की, वो आके सबको बाहर करने वाले हैं, तो ये टीम का सफाया होने वाला है। यकीन करें जब ये पाकिस्तान आएंगे, ये लोग हार कर आए तो इस टीम का हर प्लेयर चेंज कर दिया जाएगा, ये लेटेस्ट अपडेट आ रही है जो यूएसए से हार कर आ रहे हैं। तो सिर्फ आपके पास एक लास्ट चांस बचा है, डू एंड डाई, करो या मरो। और अगर आपकी सोच ये है कि हम इंडिया से हार के आगे जो उनको अगले दो मैचेस हरा देंगे, आयरलैंड और कनाडा को अच्छे रन से तब भी क्वालिफाई कर जाएंगे, फिर आपका कोई चांस नहीं है।
फिर आप जैसे कहते हैं ना वापसी की टिकट को रखी जा जाए। मुझे पता है इन्होंने उस संडे को भी हमें जैसे कहते हैं ना बड़ा ज्यादा निराश करना है, दुखी करना है, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है, एक किरण है दिल में। नफरत भरते जा रहे ये लोग, लेकिन क्या करें, दिल से तो पाकिस्तान ही है ना। जब दुनिया का सबसे बड़ा मुकाबला होगा, दुनिया के सबसे बड़े हमारे राइवल के साथ हमारा मुकाबला होगा, तब भी अपने मुल्क को नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर क्या फायदा इस मुल्क में रहने का। तो इसलिए कर रहे सपोर्ट कि इनको जीतना पड़ेगा, अपनी इज्जत बचाएं, इंडिया को हराएं।